पाया जाए कि आने वाली हुकूमत जो है वो इस जमात की बन रही है या फिर बनाई जा रही है, दोनों सूरतों में आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इलेक्शन से 20 दिन पहले भी उसके अंदर हरकत ना आए, उनके जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं वो फाल ना हो पाए, उनका मंशूर मंजर-ए-आम पे ना पाए, उनकी कंपेन के अंदर बहुत से लूप होल्स दिखाई दें और उनकी कंपेन्स का वाहिद मरकज सिर्फ और सिर्फ माजी की हुकूमत पे क्रिटिसिज्म हो, तो किस तरीके से वो एक मजबूत हुकूमत में तब्दील हो सकते हैं, एक बुनियादी सवाल। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, ये जो गिले हैं ना, ये बतौर पाकिस्तानी भी गिले हैं कि जब आपकी जमात जो है उसके पास इस हद तक वैक्यूम मौजूद है, उनके लिए ही लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है और ऐसी लेवल है कि वो किसी और के लिए लेवल दिखाई नहीं देती, फिर भी खामोशी, तजब्जुब, ये मायूसी, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो समझते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर एक जमात जो है उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वो उसके नताइज भुगत रही है, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे लिए कोई राह हमवार की जा रही है या हमें कोई रास्ता ऐसा दिया जा रहा है। वो उसके अपने कारनामे थे जो वो भुगत रहे। हम तो बहरहाल मुकाबले में हैं और चले, मैं कता कलामी के लिए माजरा चाहता हूं सर। अगर आप यही बात करते हैं कि वो अपने कारनामे भुगत रहे हैं इलेक्शन से पहले, तो 2018 में आप क्या भुगत रहे थे? हम तो पैनामा भुगत रहे थे जिसमें उसमें नाम नहीं था और इकरामा पे निकाल दिया गया। हम तो एक प्लानिंग और साजिश भुगत रहे थे जिसने ना सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाया बल्कि मुल्क की जो सिम थी उसको, अच्छी जो बेहतरी की तरफ जा रही थी उसको भी नुकसान पहुंचाया। आज तो हमने तो नहीं कहा था पीटीआई को कि 9 मई करे या फॉरेन फंडिंग करे या तोशाखाना करे या फिर जो है वो मीर जाफर मीर सादिक के नारे बनाए या जाली बयानिया जो है इम्पोर्टेड हुकूमत का बनाए, नेशनल असेंबली में जो है वो अपोजिशन का रोल ना अदा करे, केपीके की हुकूमत गिरा दे, पंजाब की हुकूमत गिरा दे और फिर अपने इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराए। तो ये अगर हमने इसमें हमारा कोई रोल है तो ज़रूर हम कसूरवार हैं, लेकिन अगर वो जमात खुद इस चीज़ पे तुली हुई थी कि उसने ना सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना है और डीरेल करना है। राना साहब, यासर ने आपसे सवाल पूछा आपकी जमात का, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जमात का सवाल पूछा कि आपकी जमात ऐसे क्यों कर रही है या ये पोजीशन क्यों है, आपने वो जवाब नहीं दिया। आपने अपनी क्यादत की तरह ना तोपों का रुख कर दिया तहरीक इंसाफ की तरफ। उन्होंने क्या मेरी बात से सुन लें, देखें नाना साहब, देखें, आपने अभी कहा कि राय के इजहार, देखें मेरी बात सुन लें, हमने तो आपसे जो सवाल पूछा हमें उसका जवाब दे दें। उन्होंने जो भुगता, जो किया उसको वो भुगत रहे हैं। आपकी जमात ने यह सब कुछ नहीं किया। आप तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, वो भी आप भूल गए, चलें उसको भी हम छोड़ देते हैं, आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई हम ये मान लेते हैं। आप इसके बावजूद आपके अराकान मुंतहिब होने वाले अराकान असम्बली जो हैं, अगर वो मुंतहिब हो गए 8 को, तो उनके चेहरों पे वो रौनकें, उनके जलसों जुलूसों, उनके दफातर की रौनकें। यासर ने यह पूछा है ये क्यों नहीं बहाल हो रही। आपने सीधे ही तोपों का रुख कर दिया है अपनी क्यादत की तरह, दूसरी तरफ वो हम आपसे बाद में पूछ लेंगे, आप अपनी जमात का जवाब दे दें बस। नहीं देखें, एक तो जलसों जो हैं वो शुरू हो गए हैं, अभी तो एक दिन के अंदर एक जलसा होता है, आगे वाले दिनों में एक दिन में दो दो तीन तीन जलसे होंगे। हमारी क्यादत अवाम के पास अब जाना शुरू हो गई है। एक भरपूर जो एक इलेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, टिकटिंग और इंटरव्यू का प्रोसेस, तो ओवरऑल अगर आप हमारा सोशल मीडिया भी देखें तो हर हलके में एक हर हलके में जो है कैंपेन शुरू हो चुकी है। जो कैंडिडेट्स हैं वो हलके में जा रहे हैं, वोटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग, छोटे जलसे, सब कुछ हो रहा है। जहां तक मंशूर की बात है, मंशूर आगे आने वाले चंद दिनों में लॉन्च हो जाएगा और ये ऐसा मंशूर नहीं है जहां हम कहें कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी। ये चीजें जो हम आपको इंशाल्लाह ताला 36 शोबों के ऊपर एक मुकम्मल लायअमल हम पेश करने जा रहे हैं, जो एक इतनी डिटेल और गहराई में बनाया गया है कि स्टेक होल्डर्स। सर 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 बात सुने, पीपल्स पार्टी का भी मंशूर गहराई में ही बना हुआ है, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने 10 निकाती एजेंडा दे दिया और वो उस पर वावेला तो मचा रहे हैं ना। आप भी कोई 10 निकाती एजेंडा उसका लुबे लुबाब पेश कर देते तो शायद ये तौजीह ना होती सवाल पूछने की।
नहीं, इंशाल्लाह हम आपको 36 शोबों के ऊपर एक मुकम्मल लायमल पेश करेंगे और आने वाले चंद दिनों में पेश कर देंगे। और मैंने पहले भी मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में बताया था कि हमने एक प्रिलिमिनरी काम 30 नवंबर को मुकम्मल कर दिया था मंशूर पे। मैं भी 3-4 कमेटियों का हिस्से में मेंबर था, तो हमने काफ़ी हद तक 30 नवंबर को, उसके बाद एक अलहदा मुशावरती अमल शुरू हुआ जिधर हमने ओवरसी एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तानी बैठे हुए थे और दीगर बहुत सारी लोगों से इनपुट्स लेके एक मुकम्मल लायमल हम लेके आने वाले। हम एग्री करते हैं थोड़ा डिले हो गया, नहीं होना चाहिए था, ज़रा वक्त पर आ जाना चाहिए था, लेकिन जल्द आ जाएगा जी मंशूर हमारा। अच्छा, एक माजरत से मैं एक सवाल करना, दो सवाल है मेरे, छोटे छोटे बड़े मासूम से सवाल है, मुझे उनका जवाब नहीं मिल रहा। आपकी इतनी बड़ी जमात है, इतनी ताकत है, इतने लोग आपके साथ हैं और लोग आपके बयानिए से भी इतफाक़ कर रहे हैं और ताहयात कायद भी मौजूद हैं। अब तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लंदन बैठा हो सोए उनके बच्चों के। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद आपको जलसे, आपका जहाँ भी जलसा होता है वहाँ पर स्कूल को छुट्टी दे दी जाती है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। कुछ डर होता है कि सरकारी स्कूल अगर खुलेंगे तो आपके जलसे को कोई नुकसान होगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, जलसा तो हाफिजाबाद के चर्चे तो हाफिजाबाद में तो एप्लीकेशन भी दे दी है पीपल्स पार्टी ने, ओकारा में तो नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है, हर चीज आ गया राणा साहब। देखिए, ये तो लोकल इंतजामिया जो केयर टेकर सेटअप है उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पे स्कूल बंद किए गए। ये मेरी नॉलेज में तो अभी आपने सवाल पूछा तो आया, लेकिन इसका जवाब तो ECP से या केयर टेकर सेटअप से लिया जाए। ये एक अच्छा बयान है, ये वैसे ऐसा ही होना तो सारी चीज़ें सुथराई के साथ मुकम्मल होती रहेंगी कि जो भी चीज़ है वो उनसे पूछिए, हमें क्या, उन्होंने इतनी ढील दी हुई है हमें तो उनसे पूछें कि क्यों ढील दी हुई है। ये आप ऐसे कहते हैं तो है ही नहीं ये चीज़ जी, अब मैं इसका क्या जवाब दूं जो मुझे पता ही नहीं है जिस बारे में। अच्छा, मेरा एक सवाल ये, आपने कहा जी कि हमें थोड़ी सी देर लग गई वो डिटेल मंशूर लाने में, आप लोगों ने तो अभी माजी करीब में हुकूमत की, सारे मसाइल का इदराक आप लोगों को, एक तो वो हो जो सिस्टम से बाहर हो और सिस्टम को समझने में उसे देर लग गई, आप तो समझे समझाए हुए थे फिर भी आपने इतना अरसा लगाया, उसकी वजह क्या? इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें साथ, यासर साहब इजाजत है आपकी, इजाफा करें जी, क्योंकि आपसे डर लगता ना इजाफा, क्यों पूछना, आप भी इकतदार का हिस्सा है ना। अच्छा, बात यह है कि ये भी बता दें, इस मुल्क में तो सबसे ज्यादा हुकूमत भी आपकी रही है, किसी ना किसी के साथ शराकत दारी से या किसी के आशीर्वाद से। तो कैसा मामला है कि आप 30 साल 32 साल या 20 साल हुकूमत में रहने के बाद भी अभी तक आपका मंशूर बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है? देखें, सबसे पहले तो हम PMLN की हुकूमत कुछ 9.5 या 10 साल रही है पाकिस्तान के ऊपर, और KPK में PTI की हुकूमत 10 साल रही है। तो आप हम पूछ आपसे रहे हैं, ये देखना, यही एक वजह है कि राणा साहब यही हम कहते हैं, ये वो भी आपके कायद भी शुरू करते हैं एक से, वहां से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं, आपने जेन में वाम लाए। नहीं नहीं, उस पे ले आए ना राणा साहब, आप उस पे लेके आए, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे ना तो उस पर तजी बयान की गई, सब पार्टीज के होते हैं वो, कहते किसी ने एतराज ही नहीं उठाया, आप पे एतराज उठाया हुआ है तो आप अपना बताएं, दूसरों को छोड़ें। तो इसलिए सवाल PMLN का है तो PMLN का जवाब दे दे, बाकी ले लेंगे। देखिए, बात यह है कि हमने 9.5 साल हुकूमत की और अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में राजा रियाज पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस 9.5 सालों में बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन, टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन से लेके मोटरवेज, डैम्स, आपके LNG टर्मिनल, CPEC, बहुत सारी चीजें हैं जो हम गिनवा सकते हैं जो हमने नेशनल लेवल पे की। इस मुल्क के अंदर 12-13 हज़ार मेगावाट के बिजली के जो है वो प्रोजेक्ट्स किए, बहुत कुछ है। लेकिन देखिए, जो मंशूर की बात है, मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि 30 नवंबर को हम लोगों ने अपनी प्रिलिमिनरी जो सिफारिशात थी वो जमा करा दी थी, उसके बाद फिर एक मुशावरती अमल चला जहाँ हम ओवरसी एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान में जो और दीगर एक्सपर्ट्स थे उनसे हमने अपना जो स्कोप था मुशावरत का वो फैलाया। और इंशाल्लाह, देखें बात ये है कि हमने पिछली दफ़ा भी जो मंशूर भेजा था वो हमने उसको मुकम्मल किया, उसमें दहशतगर्दी का खात्मा था, उसमें CPEC था, बिजली। अच्छा, की मुकम्मल किया, अमल नहीं किया? नहीं, अब उसको पूरा किया इंशाल्लाह। अभी भी राणा साहब जो भी मंशूर गालबन मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर आने लगा है, ये 2-4 दिनों के अंदर। इलेक्शन लेट है, इलेक्शन से पहले ही आएगा जी, दो नहीं, 6 फरवरी को आएगा या 5 फरवरी को?
ये जनवरी में ही आ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा चलें, शुक्र है आपका, जनवरी में आ जाएगा। ओके हो गया। और मैं अगली दफा आपके प्रोग्राम में, तब तक तो वैसे मैं, हाँ, तब तक मैं आऊंगा ही नहीं है, ये अच्छा जवाब है कि तब तक मैं नहीं आऊंगा जब तक मंजूर नहीं आता। नहीं, आपको ना आने से तो इन्होंने मना कर ही देना है, घबराए ना आप, आपको मना कर ही देना है, क्योंकि ये आपकी भी सुनते ही राजा रियाज की सुनते हैं। अगर आपके सुनते होते तो आपको टिकट मिल जाती। इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह खैर करेगा, जमात हार जाएंगे, यही कहेंगे ना। और ये फिर अगली दफा कहेंगे नहीं, राणा साहब को देनी चाहिए थी। नहीं जी, पीएमएलएन इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगी, बहरहाल मंशूर जल्द आ जाएगा। अच्छा चले, आप क्या समझते हैं फैसलाबाद से पीएमएलएन कितनी नशस्तें निकालेगी, हकायक को देखते हुए? फैसलाबाद को इंशाल्लाह पीएमएलएन क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा राणा साहब, 8 फरवरी को हमारा प्रोग्राम, उसके अगले दिन होना है, ठीक है, अगर उन्होंने क्लीन स्वीप आपने ना किया तो फिर कुछ ऐसे मरूजी हालात के मुताबिक बताएं कि जिसके ऊपर फिर बाद में बैकफिट में ना जाना पड़े, कोई एक आधी नशस्त गिरा दें, इतना तो एक आधी। यार सदके जावां यासर साहब, आप पे क्या बात है, इनसे तर्जमान रख लें जी, रख लें। साहब मैं जरूर आऊंगा, और इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन और शेर 8 फरवरी को धाड़े मारेगा इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा। नहीं, धाड़े मारेगा, हाय ये वाली धाड़े नहीं जाइए, इलेक्शन का रिजल्ट बताए, फैसलाबाद की नशिस्ते बता दे। वैसे हंस रहे हैं राणा साहब, हंस रहे हैं, इसे बुरा ना बनाइएगा, हंस रहे हैं आपसे, आप भाई हैं आपसे, हम खुल के बात कर लेते हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला अवाम फैसला करेगी, और हम पूर उम्मीद है कि बस यही दुआ करें कि फैसला अवाम से करवाए। बिल्कुल, ठीक है ना, जिन जिन लोगों ने फैसला अवाम से करवाना होता है ना, वो अपना मंशूर 3 दिन माह पहले भी ले आते हैं। वैसे ही आपको बता दूं, हाँ जी, नहीं आ जाएगा मंशूर में, लेकिन आपका मैसेज मैं जरूर क़यादत को आज पहुंचाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे ना एक तरह का तासर उभरना शुरू हो गया है, और वो जहनों में राइज भी हो रहा है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन जो है ना, वो मकबूलियत से कबूलियत की तरफ सफर का नाम है।